सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत आज यानी कि 30 दिसंबर को एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए। दरअसल वो दिल्ली से रुड़की जा रहे थे, इसी दौरान उनकी कार रुड़की में डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि ऋषभ पंत आग लगने के चंद मिनट पहले ही कार से बाहर आ गए। अब इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है वो बहुत ही डरावना और सहरन पैदा करने वाला है। सबसे पहले आप देखिए हादसे का लाइव वीडियो। हादसे के बाद जब ऋषभ पंत कार से बाहर आ गए तो जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और आसपास मौजूद लोगों ने उनकी मदद की। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आप देखिए कि आग के बाद BMW कार पूरी तरीके से जल गई। पूरे हादसे के बाद फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक इंस्टाग्राम मैसेज सामने आया है। आपको बता दें कि उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत में कुछ महीने पहले आपसी खींचतान, विवाद या नोकझोंक की बातें सामने आई थीं। बाद में ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला को दीदी कह करके भी संबोधित किया था। आप देखिए कि उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम में एक मैसेज लिखा जिसमें उन्होंने केवल एक शब्द लिखा है, प्रेइंग। इसके अलावा उर्वशी के इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो नजर आ रहा है जो कुछ और ही कहानी कहता है। आप भी देखें इस वीडियो को। We made for each other. You write that down. अब यह मैसेज सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। दूसरी ओर ऋषभ पंत के फैन ऋषभ के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया। सुबह की बात है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309116। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।